दिल्ली नाला ट्रैक के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनुराग यादव है और मैंने हाल ही में संपन्न यूजीसी नेट एग्जाम में 99.81% हासिल करके इतिहास विषय से JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज दिल्ली नाला ट्रैक के माध्यम से किस प्रकार मैंने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी की है उस सभी रणनीतियों को मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का निवासी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूर्ण की है और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से पूरा किया है। मैंने अपना स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में पूरा किया है और मैंने अपने परास्नातक की डिग्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद से हासिल की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक सभी के लिए कंपलसरी होता है, दूसरा आपके सब्जेक्ट का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र में 10 यूनिट होते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहले यूनिट में होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरे यूनिट में आपका होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरे में होगा कम्युनिकेशन, इसी प्रकार आगे होगा कम्प्रिहेंसन, फिर होगा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर ICT, फिर इन्वायरमेंट, फिर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया था। इसमें 5-6 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा वही आगे पीछे करके देता रहता है, तो अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हल करके जाएंगे तो आप इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कम्प्रिहेंसन की। तो कम्प्रिहेंसन के लिए आप सभी लोग संपादकीय पढ़ते हैं तो उसी प्रकार ये भी आसानी से टैकल हो जाएगा। बस संपादकीय जो भी पढ़ते हैं उसी प्रकार एक पैसेज रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बेसिस पर रहेगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग की। तो दोनों में आप इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और RS शर्मा की रीजनिंग की बुक से जितने भी टॉपिक रहेंगे आप उसको देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देख किया जाएगा। उसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसी को उस बुक से हल करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट उसमें देखना रहता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च रहता है। उसके बाद थीसिस राइटिंग किस प्रकार होती है, इसके लिए मैंने KVS मदान सर की बुक आती है तो मैंने उसी को प्रीफर किया था और टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने उसी से देखा था। अगर बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की और लॉजिकल रीजनिंग की तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करके जाइए, उसी से टैकल हो जाएगा। किसी भी राइटर की रीजनिंग की बुक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा है, आप उसी को हल करके जाइए, आसानी से हो जाएगा। अगर बात करें इन्वायरमेंट की तो इन्वायरमेंट में जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विभिन्न संस्थाएँ हो गई, कब कौन सा एक्ट पारित हुआ था, उसको देख कर जाएंगे तो ये भी आसानी से हो जाएगा। अगर अब हम बात करें तो ICT की तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लगभग करंट 2 क्वेश्चन रहते हैं, फिर इसमें भी जो जो युक्तियाँ अपनाई जाती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, फिर इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरीज, तो इसके लिए मैंने लूसेंट की एक बुक आती है उससे सरसरी निगाह से बस देखा था, कोई मतलब गहन अध्ययन उसका नहीं किया था। तो इस प्रकार मैंने अपना फर्स्ट पेपर तैयार किया था। इसके लिए मैंने KVS मदान सर की बुक, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, KVS मदान सर की बुक को हमने एक बार रीडिंग की थी अच्छे से, बस उसके सिवा मैंने किसी सोर्स से पढ़ाई नहीं की थी। अगर हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की तो इसमें होता है प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और इतिहास लेखन। अगर सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसके लिए आपको एक पहले ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, एक मोटा आइडिया हो जाए कि इसमें कितना क्या है कैसे है आइडिया हो जाए। तो इसके लिए मैंने झायम श्रीमाली सर की बुक पढ़ी थी, तो इसमें पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होगा, इंट्रोडक्शन टाइप की बुक है जिसको आप आसानी से 5-6 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने KC श्रीवास्तव सर की बुक पढ़ी थी एंशियंट हिस्ट्री के लिए। उसके बाद मिडिवल की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री मैंने बस केवल सतीश चंद्रा सर की बुक पढ़ी थी, दोनों वैल्यू फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। आधुनिक भारत की बात करें तो मैंने BL ग्रोवर सर की बुक पढ़ी थी और आज़ादी के बाद भारत के लिए मैंने बिपिन चंद्रा सर की बुक पढ़ी थी। तो ये सारी, और इतिहास लेखन की अगर बात करें तो एक ई श्रीधरन सर की बुक आती है इतिहास लेख करके, तो उससे भी मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़े थे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। इन सब की बुक्स के अलावा मैंने एक आर्या कंपटीशन करके आती है, आप किरण भी पढ़ सकते हैं, उसमें तथ्यों महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन रहता है, लेकिन आप उसको तभी पढ़ सकते हैं जब आप मतलब आधारभूत किताबें पढ़ चुके हैं, जैसे आप जितनी भी हमने पहले किताबें बताई उसका आप अध्ययन कर चुके हैं, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी लगे।
एंशियंट मिडिवल मॉडर्न कोई भी आधारभूत समझ जो विकसित कर सकें वैसी किताब। मैंने जितनी भी किताबें बताई इसके अलावा मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के लिए सरसरी निगाह से तो मैंने आर्या कंपटीशन की बुक पढ़ी थी जो यहाँ मतलब बुक स्टोर पर अवेलेबल नहीं थी, फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप देख सकते हैं, वहाँ मिल सकती है। इन सब के अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग मॉक टेस्ट दे के जाइए। बहुत से लड़के होते हैं जो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, वहाँ जाके पहली बार ही माउस टच करते हैं और उनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको 3-4 मॉक टेस्ट दे के जाना चाहिए। आप NTA की साइट पर जाएंगे, आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और अंत में आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस UGC नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो एक इतिहास में AGB प्रकाशन की बुक्स आती है, उससे आप प्रीवियस ईयर को अच्छी तरह से लगा के जाइए। आपको आइडिया हो जाए किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल लगभग 10-12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहते हैं, तो ये आप ज़रूर देख के जाइए। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मेरे जीवन में भी कई सकारात्मक लोगों का बहुत सहयोग रहा है, उनसे हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। पापा हों, चाहे हमारे बड़े भैया प्रदीप यादव हों, चाहे हमारे दोस्त जो हों वाजपेयी जी, सतीश जी, दुर्गेश जी, आप हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच में रहें और अपने लक्ष्य के प्रति उद्यमशील बने रहें, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मैं अपने जीवन में भगत सिंह की 2 पंक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। अगर हम उसका 30-40% भी अपने जीवन में अनुसरण कर लें तो शायद हम सफलता हमारे कदमों में होगी। जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। मुझे आशा है कि अभी तक मैंने जो भी इस परीक्षा के विषय में जानकारी शेयर की है उसे सभी DKT के दर्शक लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।